बोल गधे की आवाज निकाल। ट्राई तो कर एक बार। देखो एक बार मेरे सामने मुंह करना। हाँ ऐसे ही रहना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है शीतला सप्तमी और आज हो रही है शीतला सप्तमी की पूजा। तो फिर आज सुबह सुबह जल्दी ही पूजा हो रही है और मेरे से तो मम्मी काफ़ी पहले उठ गए थे। और जो पूजा होती है उससे पहले साफ सफाई कर देते हैं, घर की झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं, उसके बाद में सफाई करते हैं। तो आज मम्मी ने सफाई भी कर दी है और मैं उठी तो मेरे साथ देखो चिकू का तो फिक्स है, मेरी जैसे आँखें खुलती है इसके साथ के साथ आँखें खुलती है और ये भी मेरे साथ नीचे आ गए। और अभी मम्मी है ना माता जी को चुन्नी उड़ा रहे हैं, मम्मी ने मुझे इस पे लेस लगाने के लिए बोला था, फिर मैं एकदम से भूल गई थी। उस टाइम तो मम्मी को बोला हाँ लगा दूंगी, उसके बाद में मुझे याद ही नहीं आया था। और यहाँ पे क्या रिवाज होता है, जब होली का दूसरा दिन होता है ना तभी माता जी को हम 12 महीने तक ऊपर बैठा के रखते हैं, ऊपर कहीं ऊपर ऊंची जगह पे जहाँ पे किसी का हाथ ना लगे वहाँ पे रखते हैं। और जब होली का दूसरा दिन होता है उस दिन माता जी को नीचे बैठाते हैं नहला के, फिर 7 दिन तक रोज़ नहलाते हैं इनको। और कहीं जगह पर सिर्फ 7वें दिन होता है उसी दिन माता जी को नीचे बैठाते हैं और नहलाते हैं। हम लोगों में ये अलग रिवाज है कि 7 दिन तक माता जी को सुबह सुबह ठंडे पानी से नहलाते हैं, घर की सारी औरतें होती हैं वो सारी औरतें नहलाते आती है। और यहाँ पे दीवार पे देखिए ये मैंने जो सांप और बिच्छू बना रखे हैं, ये जब गोगो जी का वो आता है ना सावन भादवे महीने में जब गोगो जी की पूजा करते हैं तो उनके खीर वीर चढ़ाते हैं, तो वो भी इसी दीवार पे करते हैं। और ये जो मेहंदी के जो टिक्के वगैरह लगे हुए ये यहाँ पे हम बायांसा की पूजा करते हैं। और मम्मी माता जी के जो अलग से वो तेल का हलवा बनाया था और भी बहुत सारे प्रसाद बनाए थे जो उनकी उनका चढ़ावा कर रहे हैं और मेन घाट का चढ़ावा हो रहा है। अभी तुझे गधा बनाएंगे, रुक जा अभी गधा बनाएंगे तुझे, देखना अब दिया हो जाएगा, बाकी प्रसाद चढ़ा दिया मम्मी ने। चिकू इधर दिखा ना, ओहो इतना बड़ा टिक्का निकाला है भाई। हेलो फ्रेंड्स को देख, बार इधर मुंह करके कर, इधर मुंह कर, पहले पहले मेरे सामने कर। हेलो फ्रेंड्स, टिक्का निकाला ऐसे बता कैसे करा, पहले ऐसे बात तो कर ले, नहीं जे जे करो हाथ जोड़ो, जे जे को हाथ जोड़ो, पहला गन पत मार दे के करो दादा, यहां बैठ जे जे को गद्दा बन रहा, चिक्कू गद्दा बन रहा है, चिक्कू माता जी का गद्दा बन रहा है, चिक्कू माता जी का गद्दा बन रहा है, चिक्कू माता जी का गद्दा बन रहा है। वाओ जे को इतना सुंदर गद्दा लग रहा है, देखो मैं इधर देखा ना पूरा मुझे, ओहो गधा बन गया भाई, अब कांच में देख के वो गधा कैसा लग रहा है, क्योंकि चावल लगाने दे बस। चिकू एक बार मेरे सामने मुंह करना। हाँ ऐसे ही रहना। अब जा नहीं गधा बनना है, गधा बनना इस और बन रहा है गधा। वाह अच्छा गधा लग रहा है सोनू, बोल गधे की आवाज निकाल। ट्राई तो कर एक बार, बोल के गधा बनना है। टेंचु टेंचु राग को अभी घी लगाए ना क्या बना। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है शीतला सप्तमी और सुबह पूजा वगैरह सब हो गई थी, पर अब टाइम पता है 1 बज रहा है और मैं सुबह से इतना आलस फैला रही हूँ जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि आज काम भी है नहीं कुछ, मतलब सिर्फ उस घर में झाड़ू, इस घर में तो मैं उठी तो मम्मी ने झाड़ू पोछा कर दिया था क्योंकि पूजा जल्दी करी थी, और फिर मैं उस घर में झाड़ू पोछा करके आई क्योंकि आंटी जी इधर नहीं है वरना तो आंटी जी करते हैं। और सुबह मैंने एक बार दही बड़े खा लिए थे, दही बल्ले, और वापस भूख लगी है तो सांगरी की सब्जी और पूड़ी लिया। इसमें सांगरी की सब्जी मतलब इतनी टेस्टी बनी है ना, मेरे सासू जी बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं, मैं शेयर करने वाली इसकी रेसिपी शेयर करनी थी आपके साथ, पर कल मैं दिन में मतलब परसों रात को ना चिक्कू सोया नहीं था, रात को 3 बजे उठ गया था और बोला शॉर्ट्स देखना शॉर्ट्स देखना, उस करके मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, फिर 3 बजे से जाग ही रही थी तो इसलिए कल दिन में मैं सो रही थी तब मम्मी ने ये सब्जी बना दी थी, मुझे पता नहीं चला था, वरना मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती। और कुछ पता ये भी रीजन होता होगा कि आज के दिन की जो सब्जी बनती है ना इसका टेस्ट होता है ना वो हम पूरे साल में बनाते हैं ना तब कभी नहीं अच्छा लगता, ये क्या बोलते हैं इसको, इसमें बहुत कुछ मिलाया होता है, देखिए सांगरी है और केर होता है, कोमटिया होता है, अमचूर होती है, हरी नहीं सॉरी लाल मिर्च साबुत होती है, ये ऐसे मिलाया हुआ मिलता है बाजार में, सारा मिक्स करा होता है सांगरी के साथ। तो ये मैं खाना खाती हूँ और नहाना मुझे है पर अभी देखती हूँ कब नहाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे आज ठंडे पानी से नहाना है
और बाईसा ने भी बुलाया हुआ है मुझे नाश्ते पे आज, तो बाईसा के घर पे एक दो और लेडीज भी आएंगे। और चिक्कू भी परेशान ही कर रहा था वो भी, क्योंकि मम्मी कहीं बाहर गए हुए थे और दोनों लड़ रहे थे फ़ोन के लिए, तो फिर मैंने उसको अभी सुलाया है चिक्कू को, तो ये सोरू यहाँ बैठे फ़ोन देख रहा है। और मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। मतलब ऐसे ना पेट भी नहीं भरता, थोड़ा 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 बर्तन, ना तो सिंक में बर्तन खत्म होते हैं ना पेट भरता है, क्योंकि कोई कुछ खा रहा कोई कुछ कर रहा, थोड़ा थोड़ा लेके जाता है फिर रख के चला जाता है, तो ऐसे चल रहा है। मम्मी आ गए मंदिर से और मम्मी के खाना खाना बाकी है अभी। तो यार तो मम्मी बोल रहे हैं भाई साहब बुला रहे हैं खाने पे, और मैंने जस्ट अभी खाना लिया, तो मैं ये खा के फिर जाऊंगी और उनके घर पे बाद में नाश्ता पानी करूंगी। तो पहले खा लेती हूँ फिर नहाऊंगी फिर जाऊंगी उनके घर। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ नहा के रेडी और आज ये ड्रेस पहन ली मैंने, वैसे घर आके तो वापस चेंज करनी है तो थोड़ी देर के लिए पहना है। और सोरू को बोला वीडियो बना दे, पर उसको इतना अच्छे से बनाना नहीं आता, फिर भी मेरा वो थोड़ा सा बना देता है काम चलाओ। और कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना। फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और मम्मी मुझे पहुँचा क्या रहे हैं भाईसा के घर पे। यहाँ पे पता अकेले नहीं जा सकते, घर तो बिल्कुल सामने ही है मुझे दिख रहा है यहीं से, पर ऐसे रिवाज होता है कि बहू होती है वो अकेले नहीं जाती है, तो कोई बच्चा छोड़ के आएगा या फिर ननंद भाईसा छोड़ के आते हैं, जैसे मेरे साथ सोरू भी मुझे छोड़ के आ सकता है। अब मम्मी जा रहे हैं मुझे पहुँचाने के लिए, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी, चिक्कू सोया होगा। और ये हमारी गली है छोटा बाबू की, तब 9 महीना हो गया, 9 महीना हो गया। अभी ये फोन है कुछ दे, फोटो लेते फोटो। चिकू देख चिकू, उधर नाम क्या है, नाम क्या है आपका? नहीं पता। ए है पापी जी। ओ ओ बिट्टू, ए कोई वीडियो में सोचे वापी जी रे बिट्टू है। ये बड़ी मम्मी है ना। हम मैं आई हूँ मेरे बाईसा के जेठानी जी के घर पे यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। तो फ्रेंड्स बाईसा इतना सारा नाश्ता लेके आए, जिसमें ये देखो गवार फली है वो फ्राई करी हुई, ये मेरी फेवरेट है, बाकी तो ये सारा मैंने घर पे भी बनाया, ये सब्जियाँ दही खाड़ घाट वगैरह, तो बाकी मैंने जो गवार की फलियाँ वो घर पे फ्राई नहीं करी थी वो मैंने यहाँ पे खाई है। और सीमा जी तो भी मिले, मैं बाईसा के घर आ गई थी 4:30 बजे और वहाँ पे भी सीमा जी आ गए थे कुछ देर, थोड़ा देर सोई भी थी क्योंकि यहाँ से मैं 2 बजे करीब गई थी, उस टाइम नींद का टाइम भी हो गया, दिन में सोते हैं इसलिए। और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर नाश्ता वास्ता किया, घर आई और घर आके मैंने वही ड्रेस वापस पहन ली जो मैं धो के गई थी, सूख गई थी तो वापस आती यही मिल गई थी, तो यही पहन ली और बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए। अब शाम का खाना अभी कंफर्म नहीं है, बनाना है या नहीं बनाना है कुछ पता नहीं है, बाकी किचन वगैरह क्लीन कर दिया। और पापा अभी दूध लेने गए हैं तो फिर वापस, पापा तो चाय नहीं पियेंगे, अंकल जी आएंगे तो फ्रेश दूध की चाय पीऊँगी, और मेरे को भी पीनी है आज, भाई साहब ने बोला था पी ले पर मैंने पी नहीं थी, घर आ गई थी और घर आई तब तक चिक्कू भी उठा हुआ था, तो मतलब आलस सा फैला हुआ है ऐसे, है ना, मतलब वो होता ना काम है काम है, तब तो फटाफट अपने आप एक्टिव सा रहते हैं, भागते हैं किचन की तरफ, ये करना है वो करना है, आज काम नहीं है तो आलस ही फैला रहे हैं पूरे दिन से, तो दूध आता है फिर चाय बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स पापा गए थे पाली मार्केट, तो लेके आए आइसक्रीम का डब्बा और सबने खा लिया, चिक्कू 2 लेके भागा, एक पहले खा ली, चिक्कू का सिस्टम पता ही क्या था, जो भी लेगा उसके साथ उसको फिर चाहिए, और सोरू ने ले ली है, ये मैं मेरी लेती हूँ। आज खाना कुछ सिस्टम पता नहीं है, कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, मम्मी अपनी आइसक्रीम खा रहे हैं और मेहंदी लगाई आज, मम्मी बताइए आप मेहंदी। हाँ बोटी करने लगे, ये शीतला सप्तमी की मेहंदी आज लगाई, कल लगानी थी कल नहीं लगाई, आज लगाई है। नहीं वाह भगवान ना चड्डा बनी जे कि मैं बंटा में गाल दे वजन लगाई। अच्छा तो फ्रेंड्स कई जगह पे देखो ये शीतला माता की इस टाइप से पूजा करते हैं, पत्थर पे मुंह वगैरह बनाते हैं और जैसे मार्बल ले लेते हैं, इस पे टिक्का काजल आंखें बनाते हैं, और हमारे ऐसे नॉर्मली पत्थर का माता जी बनाते हैं। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं बता दूं कि आज हमने पूरे दिन ठंडा ही खाया, रात को भी खाना वही खाया जो कल बनाया था, नया खाना नहीं बनाया है।